एक और अहम मामला जाली बैंक अकाउंट्स केस की मुंतकली पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया है। फारूक नायक ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए तहरीरी मोहलत मांग ली है। जाली बैंक अकाउंट्स केस की मुंतकली पर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद बाबर अब्बासी से। जी बाबर बताइएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर के उनकी जानिब से इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया था कि जो जाली बैंक अकाउंट केस है वो इस्लामाबाद मुंतकली का फैसला दिया गया था, इसके खिलाफ उनने आज अपील दायर की है। एडवोकेट फारूक एच नायक ने अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी मोहलत भी मांग ली है और कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी थी। दरखास्त में कहा गया कि जाली अकाउंट का मामला बैंकिंग कोर्ट के दायरे कार में आता था, जाली बैंक अकाउंट का मामला एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का कोई कानूनी जवाब नहीं है। तफसीली वजूहात के साथ सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करना चाहते हैं। अपील दायर करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी जाए। बहुत शुक्रिया बाबर अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।